हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी ना दिन के बज गए 2। आज मैं बहुत लेट हो गई, सुबह से मैं कुछ काम ही नहीं कर पाई। आज व्लॉग का कुछ नहीं बना पाई, कुछ दिखा नहीं पाई आपको। और अभी मैं ना दिन का खाना भी बन चुका है मेरा, दाल चावल बनाए मैंने आज। और अब ना मैं आपको कल का कैंटीन का सामान दिखाती हूँ, मैं कल कैंटीन से क्या क्या शॉपिंग करके लाई। और उसके बाद मैं डी मार्ट भी गई थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना मैं कल किसी के लिए गिफ्ट के लिए लेकर आई हूँ। हमने कल परसों जाना है, किसी के गृह प्रवेश में जाना है, तो उसके लिए मैं ये गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये है, थोड़ा सा पीछे कर दे फिर मैं थोड़ा, मेरा सेट नहीं हो रहा है कैमरा अभी तब तक। इसीलिए ये मैं ना गिफ्ट लेकर आई हूँ। इसमें है हॉट केस, 3 हॉट केस हैं इसमें, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे बड़ा ये वाला है, वो तो अच्छे से पैक हो गया भाई, खोल ही नहीं सकती मैं इनको। ये सबसे बड़ा वाला है, और ये इससे छोटा, ये सबसे छोटा है ये वाला, और ये सेकंड नंबर का है ये वाला। इसमें 3 हॉट केस हैं। और ये ना मैं एक स्टील की कढ़ाई लाई हूँ अपने लिए, नॉर्मल स्टील की कढ़ाई है ये, इसको दिखाती हूँ। आजकल ना स्टील की कढ़ाई, स्टील के बर्तन ज़्यादा चल रहे हैं, स्टील का प्रेशर कुकर, स्टील का, स्टील की कढ़ाई। तो ये इसका ढक्कन है, ढक्कन तो काफ़ी भारी है, अच्छा लग रहा है पूरा, इसमें ना फेस भी अच्छे से दिख रहा है। और ये है स्टील की कढ़ाई, आजकल ना ये काफ़ी चल रही है ये वाली कढ़ाई है। मेरे बहुत दिन से था इसको लेने का, तो मैं कल कैंटीन गई ना, तो कैंटीन में मुझे ये एकदम मेरी ना दृष्टि पे गई, तो फिर मैंने इसको तुरंत ले लिया। मैंने कहा इसको ले लेती हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं है और सही है, 5-6 लोगों के लिए सब्जी आराम से इसमें बनेगी, दाल भी बन जाएगी, दाल में तड़का भी मार सकते हैं। तो मैं और एक में ये लाई अपने मोटू के लिए, मोटू को तो जूस चाहिए, ये मोटू के जूस है, ये मोटू का जूस है, और ये भी ना मोटू का जूस है। मेरे को पता नहीं चल रहा है मोटू को पता नहीं किसे दिखाऊंगी यूट्यूब में। और मैं ये सब जूस मोटू के लिए लाई, और एक ना मैं लेकर आई फ्राई पैन, ये मेरे को इतना अच्छा लगा, काफ़ी दिन से देख रही थी, सोच रही थी लूंगी लूंगी इसको, लेकिन ले नहीं पा रही थी। तो ऐसे मतलब इतना ज़रूरी भी नहीं था, लेकिन लेकर मेरे को इतना अच्छा लगा ये। मैं कहा चलो, उस टाइम में आता जब मैं गाँव में रहती थी ना, उस समय इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उस समय हम लोग दाल में तड़का मारते थे, तो आजकल तो हम कढ़ाई में तड़का मारते हैं। तो उस समय क्या करते थे, जो हमारा दाल निकालने का जो बर्तन होता है ना, करछी बोलते हैं जिसको, वो उसमें गांव में हमारी भाषा में उसको डडूल बोलते हैं, तो डडूल से हम लोग उस समय दाल निकालते थे। तो डडूल को ही मतलब ऐसे चूल्हे के अंदर डालना, और उसी में थोड़ा तेल रखना, उसी में जीरे का तड़का मारना, और लहसुन के पत्ते रहते थे गाँव में, तो लहसुन के पत्ते उसमें डाल दो, और बस उसी को तुरंत दाल को छोंक दो। तो मतलब वो करते थे उस समय, अगर ये रहता ना तो कितना अच्छा था ये बर्तन। तो इसके लिए मैं ना इसको लेकर आई कि कभी कभी जरूरत पड़ेगी इसकी मुझे, ज़्यादा तो नहीं, वैसे तो कढ़ाई में तड़का मारते, लेकिन कभी कभी अच्छा लगता है, छोटा सा बर्तन अच्छा लग रहा था। तो एक में ये लेकर आई, और मैं लेकर आई, फिर मैं लेकर आई राशन का सामान, दाल वगैरह लेकर आई, वो मेरे ना कैमरा दिखा नहीं पा रहा उसको। और मैं क्या लेकर आई, एक में ये लेकर आई राजगिरा के लड्डू, जिसको हमारे उधर चुलाई के लड्डू और राजगिरा के लड्डू बोलते हैं। और एक लेकर आई मैं ट्रे, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं है और ठीक है, मतलब मैंने ना आपको सारा जो सामान मैं कैंटीन से लेकर आई थी, अभी मैंने आपको वो सामान दिखाया। और अभी ना मैं अब थोड़ा सा आपको बाहर के अपने गमले वगैरह दिखाती हूँ, बाहर का थोड़ा नज़ारा दिखाती हूँ कैसे है बाहर का। ये देखिए आज पुनः में कितनी अच्छी धूप खिली है, बाहर खिली खिली धूप है बिल्कुल। ये देखिए मेरी बालकनी से, और ये ना मेरे पीछे अरबी के पत्ते हैं, ये मैंने अरबी के पत्ते लगाए, देखो अरबी लगाया है, ये ब्लैक कलर की इसकी डंडी दिख रही है आपको, ये ना ब्लैक कलर की है, ये देखिए
और ये तो प्लांट है, पता नहीं इसका नाम क्या है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है ये, बहुत सुंदर लगता है और बहुत जल्दी मतलब एकदम अच्छे से, इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं, कुछ की ज़रूरत नहीं है। और इसमें ना मैंने ये लड़के जो बड़े नींबू होते हैं ना गाँव में गल गल, उसके पेड़ हैं ये, देखो इसमें अरबी के पत्ते भी हो रखे हैं, अरबी भी लगाई है मैंने। और ये मेरा है गुल्हड़ का पेड़, खूब फूल आते हैं इसमें, फूल बहुत अच्छे फूल आते हैं, काफ़ी फूल देता है ये मेरे को। और ये है एलोवेरा, खूब सारा एलोवेरा है मेरे पास, बहुत गमलों में है एलोवेरा, अच्छा लगता है, काफ़ी गमलों में मैंने एलोवेरा लगाया है। और ये मेरे पीछे मनी प्लांट दिख रहा है, और एक छोटा सा आम का पेड़ भी मैंने अभी लगा रखा है, ये देखिए आम का पेड़, ये है छोटा सा आम। और ये बम्बू घास है, ये भी बड़ा अच्छा हो रहा है। और ये भी ना एक प्लांट है, पता नहीं इसको भी मनी प्लांट की तरह होता है, ये भी पूरा बहुत फैल रखा है, ये देखिए छत से लेकर यहाँ तक, और एक छोटे ज़्यादा बड़ा गमला भी नहीं है, और बहुत अच्छे से फैल रखा है एक प्लांट। ये भी है, ये भी बड़ा सुंदर प्लांट है। और मैंने ना कुंजू भी लगा रखा है, कुंजू मैं आपको बाद में किसी और दिन दिखाऊंगी, वो बिल्कुल बड़ा नीचे में है, उसमें लास्ट में है वो। और मैंने ना अपने गमले में देखिए अदरक भी लगाया है, ये देखिए अदरक बहुत सुंदर, इतनी अच्छी खुशबू है इस अदरक की, बहुत अच्छा है। आज की वीडियो ना मेरी थोड़ी बड़ी हो गई है, और क्योंकि मैं इसको थोड़ा रोक रही हूँ ना एडिटिंग करने में, मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, और उसका ऐप मेरे को डाउनलोड करना है अभी, मतलब काफ़ी कुछ है उसमें सीखने के लिए, थोड़ा आपको देखिए। और ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये मेरा आटे, कल मैं आटा पे लेकर आई थी डी मार्ट से आशीर्वाद आटा, ये हमारे बच्चों के फोटो उग रहे हैं शोकेस में। किचन में ना कैमरा मुझे इस तरफ से पकड़ना पड़ता है और पीछे का दिखाना पड़ता है, क्योंकि मैं इस साइड से नहीं दिखा पा रही हूँ, सीधा ये ट्यूबलाइट जलती है ना तो सीधा कैमरे पे आता है, तो इसलिए इसमें अच्छे से ना नहीं आता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको इस आगे की नहीं दिखा पाती हूँ, इसी तरफ से दिखाती हूँ। अब आ गए हम अपने बेडरूम में, यह मेरा बेडरूम है, खिड़कियों से ना खूब रोशनी आ रही है, आज अच्छी खिली है, मौसम एकदम साफ हो रखा है आज का, तो इसी ना आज बिल्कुल मतलब अच्छा लग रहा है, अच्छा मौसम हो रखा है। तो मैं इस लाइट को बंद करती हूँ, इसको दिखाती हूँ, और ये ना हमारा फ्रंट बालकनी है, और इधर का व्यू देखिए थोड़ा इतना अच्छा है, आज बहुत अच्छी धूप खिली है बाहर, बहुत सुंदर लग रहा है धूप, देखिए। अब मैं ना वीडियो को यहीं पे बंद करती हूँ, और आज मैंने आपको काफ़ी कुछ दिखा दिया है, आई होप आपको अच्छा लगेगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाय, थैंक यू, बाय।